तो आज जिसको हम पेलने वाले हैं वो नन अदर देन मीशो से मंगाई हुई सस्ती श्रद्धा कपूर, या यूं कहो गरीबों की श्रद्धा कपूर। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था, मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? यही बात अगर कोई लड़का बोल देता तो उसको पता नहीं कितने फेमिनिस्टों ने घेर लिया होता, इतने हजार सवाल पूछे जाते उससे, कैसे कैसे बोल दिया ये वो लोड़ा लसन पता नहीं क्या क्या। पर इसको नहीं बोले, क्यों? क्योंकि लड़की है भाई। लो भाई, अब लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता। इसको थोड़ी बोल सकते हैं, अरे भाई वुमेन एम्पावरमेंट भी तो कुछ होता है ना मेरी जान। मेरी जान फिर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे इतनी बकचोदी पहन लेती है लड़कियां, और कुछ तो भी बोल लेती है लड़कियां, और उनके 8-10 साल 12 साल के बंदे जो इनकी कमेंट सेक्शन में भरे पड़े रहते हैं, बेबी आई लव यू लोड़ा लसन ये वो पलाना ढिमकाना करके, उनको उनसे सिंपैथी भी तो चाहिए ना उनसे। वैसे भी फेमिनिस्ट की हमारे देश में कोई कमी भी नहीं है। कल मेरे सामने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। ये वीडियो देखने के बाद क्या इसको देखने के बाद इसके मम्मी पापा भी सोचते होंगे, काश काश उस दिन हमने भी प्रोटेक्शन लगा लिया होता तो ये महामारी पैदा ना होती और इस देश में नहीं फैलती। ये लड़की नहीं बल्कि एक छक्का है जो लड़कियों की एक्टिंग करके हमको बेवकूफ बनाता है। हाय हाय चिकने, तेरे को कहां से मैं छक्का दिखती हूँ, लेवल निकाल के दिखाऊं क्या? लगता है दीदी का पुराना कस्टमर है इसलिए पहचान लिया लोंडे ने। पर भाई लोंडे कम नहीं भाई इंडिया में, मतलब भाई बात है इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर। मेरे स्कूल में आज फोन की चेकिंग हो रही थी तो मैंने जल्दी से फोन अंदर छुपा लिया। मैम के जाने के बाद जब मैंने फोन बाहर निकाला तो पता नहीं क्यों वो चलना ही बंद हो गया। इसको देखने के बाद मेरा श्रद्धा कपूर से एक ही निवेदन है कि भैया अपने पिताजी को संभाल के रखो, थोड़ा कंट्रोल में रखो, इधर उधर मुंह ना मारे, वरना इतने पता नहीं कितने पैदा हो जाएंगे श्रद्धा कपूर छोटी मोटी, उनको हम जेल भी नहीं पाएंगे। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। फिर काजल को तो उन लोगों ने छोड़ दिया, बट उन लोग को मैं हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ आईसीयू में एडमिट करवा के, क्योंकि ये महामारी जितनी ज्यादा फैलेगी उतने ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगी भाई ये। एंड डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आज भी लगे पड़े इसका एंटीवायरस निकालने में, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो भाई। काजल की तो इज्जत ले ली उन्होंने, बट इनका कुछ और चला गया उसमें। कौन है ये लोग जो इसको देख रहे हैं? वैंचू मुझे ये बताओ बे, तुम लोग ने इनकी हरकतें देखी क्या बे? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? खैर मैं भूल गया था, मैं इंडिया में रहता हूँ, यहाँ सपनों के पीछे भागने वालों से हजार गुना ज्यादा लोग तुमको चूत के पीछे भागने वाले मिल जाएंगे। इसे डर के नहीं रहना चाहिए, अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आपको उसके दूसरे गाल पे मुट्ठी मार देनी चाहिए। भाई जब तू किसी को थप्पड़ मारे ना तो मेरे को पकड़ना सबसे पहले, मेरे उससे मुट्ठी मारियो किसी और के मुंह पे। मैं बहुत अच्छी तरीके काजल के अनुसार अगर एक को सजा दे रहे हो तो दूसरे को मजा देना चाहिए, नहीं मतलब नहीं समझे? अब यही तो बोल रही भाई, इसके पास सामान तो है नहीं मुट्ठी मारेगी किससे, ये मार सकती है बट इसके पास सामान नहीं है, किसी और की बता रहा हूँ मैं। समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, खुद के पास तो सामान है नहीं, ना खुद का वाला सामान है, ना लड़की वाला सामान है, ना लड़कों वाला। खैर छोड़ो यार, मैं क्या ही, क्या ही, क्या ही बोल रहा हूँ जी यार, कितना गंदा हो गया हूँ मैं। अब हट गंदा। 10 रुपए वाली दूध की थैली भी इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी, और एक मैं हूँ जिसको दूरबीन लेके ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है सामान। कॉमेडी कर दीजिए बहुत भयंकर, अब तो मैं आपका फैन हो गया हूँ। 10-15 लाइक ठोकने पड़ेंगे, नहीं मैं 10-15 कमेंट ठोकने पड़ेंगे, एक लाइक करना पड़ेगा हर पोस्ट पे, और फॉलो तो जरूर करना पड़ेगा, वरना आपका फैन कैसे लगूंगा जी। मैं तो बहुत बड़ा फैन हो गया जी आपका, अब रोज आके आपके इंस्टाग्राम आईडी खोल के उस पर लाइक शेयर एंड कमेंट करने पड़ेंगे रोज, वरना मैं आपका फैन नहीं दिखूंगा ना मैडम। और इसकी ऑडियंस मुझे बहन समझ नहीं आता क्या है इसकी ऑडियंस, मतलब लिटरली तुम लोग सोचो कि ये कंटेंट कौन देखना चाहेगा, मतलब क्या ही बोलूं। बट तुम लोग को बताया कि ऑलरेडी पहले अच्छा कंटेंट ट्राई कर चुकी है बट इससे कुछ हुआ नहीं, तो ये चूतिया पकड़ने में लगी पड़ी है। अपने पिछवाड़े मॉल होने का फायदा होता है, जब मन करे तब टांग उठा के चले जाओ इसी क्या खाने। पहले तो मुझे ये बताओ कि मॉल है रंडी खाना, टांग उठाकर कौन जाता है मॉल में, और पिछवाड़े में मॉल का क्या मतलब है भाई? पिछवाड़े में मॉल नहीं होता है, मार पे रैपटा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। गुलाबी गली में घूमने के सपने छोड़ दो, वो नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। कौन है जो इसकी गुलाबी गलियां एक्सपेक्ट कर रहा है? कौन चूतिया है वो बहन जो गुलाबी गलियां एक्सपेक्ट कर रहा है? भाई हाईवे बन चुका है पूरा, और वो भी गुलाबी नहीं काला वाला, गलियां बोल के तुमको गुमराह किया जा रहा है भाई। मतलब समझे अभिजीत? नहीं, मैंने मास्क खाया थोड़ी था, बस मुंह में डाल के बाहर निकाल दिया था, मुझे लगता है मैं वेजिटेरियन ही हूँ अभी।
तुम्हारी तरफ से तो गोखा। अब मुझे पता है तुम लोगों में तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, तो उन लोग के लिए मैं बता दूं, दीदी ब्लोजॉब देने की ट्राई कर रही थी और उसमें तो मास होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। बट जो भी इसके दे रहा है ना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ थोड़ा बच के। पता चला कहीं रास्ते में मूड चेंज हो गया और काट लिया। और अगर अब भी समझ ना आए तो जाके पोगो ही देखो भाई, ये वीडियो छोड़ दो। लोगों को दरारों में झांकने का बहुत शौक होता है, और अगर उनके सामने दरवाजा खोल दो तो पूछने भी नहीं आएंगे। अब दो ना। हाँ तो क्यों ही पूछेगा जब सामने ही दिख रहा है क्या है क्या नहीं है। इंडिया में लोग माल ठोक बजा कर ही लेते हैं। जब भगवान अकल बांट रहे थे ना, तो काजल लाइन में सबसे पीछे खड़े होकर यही कर रही थी। तो मैंने आज से शक करना शुरू कर दिया। अकेली हूँ मगर काफी हूँ। नहीं भाई, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि एक साथ 10-12 को संभाल लेती है, I mean, उनको सेटिस्फाई कर देती है, बाकी समझ जाओ तुम। अरे ये छोटी हाइट वालों और वालियों को लोग इतना मतलब वो क्यों समझते हैं कि बेकार ही है, उनके पास एक दो पार्ट कम होता है क्या? तेरी बहन का लड़न रे, बहन के लड़े लड़ने गया। छोटी हाइट वालों के पास सब कुछ बराबर है, बट तेरे पास सब कुछ बराबर नहीं लगता मुझे। ऊपर वाला माला खाली लगता है, क्योंकि जिस हिसाब की तेरी हरकतें है ना, मतलब लिटरली तुम खुद सोचो क्या ही, मतलब इसकी उम्र की ऐसे छोटी बच्चों पे क्या ही असर पड़ेगा। जिस हिसाब की ये हरकतें है, जिस हिसाब की बातें करती है, वीडियो डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है, मतलब क्या ही बोल रही है, कुछ तो भी मतलब कोई सेंस नहीं है बात में। ए क्यों खिला डाला ना, एक बार दिला दे। हाँ मजा आ गया, बस एक ब्लो जॉब और मिल जाए तो मजा ही आ जाता। खैर यार आज के लिए इतना ही, किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद से पहल दो, तुम्हारा भाई अगले वीडियो में किसी और को पहलेगा। एंड अगर किसी पर्टिकुलर बंदे पे वीडियो चाहिए हो तो भी बता देना, मैं रिसर्च वगैरह करके इन्हें डाल दूंगा। एंड वीडियो को सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा ये कमेंट्स में बता देना जरूर, ठीक से। एंड जैसा कि मैंने बताया, किसी को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी हंसाने की कोशिश कर रही है, हम भी हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये बात अलग है, उसकी बातों से हंसी आती नहीं है, क्योंकि ऑडियंस का फर्क पड़ता है ना, उसकी ऑडियंस मैच्योर नहीं है और हमारी ऑडियंस मैच्योर है। क्या मतलब 1060 बंदे ही मैच्योर है पूरे इंडिया में? सब्सक्राइब करो फटाफट, तो तुम भी मैच्योर हो जाओ।